इसके बाद आता है माइनर सेक्ट। तो माइनर सेक्ट क्या कहता है कि 18 साल से छोटे लोगों को हमारे यहाँ काम पे मत लाओ, क्योंकि तो माइंस के अंदर खतरा ज्यादा रहता है। और फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है, 14 से 18 वाला काम कर सकता है, तो माइन के अलावा दूसरी फैक्ट्री में हम काम करवा सकते हैं। विमेन को बिलो द ग्राउंड अलाउड नहीं है, यानी कि माइंस के अंदर जाना विमेन को अलाउड नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई माइन है जो अबोव द ग्राउंड है, कई सारी माइंस होती है जो पहाड़ों में अबोव द ग्राउंड होती है, उसमें विमेन काम कर सकती है, लेकिन वर्किंग आवर क्या होंगे, 6 AM to 7 PM उसके वर्किंग आवर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप बिलो ग्राउंड जाते हो तो हर 15 दिन में एक छुट्टी। फैक्ट्री क्या कहती थी, फैक्ट्री एक्ट कहता था 20 दिन में एक छुट्टी मिलती है, लेकिन आप 15 दिन तक आप जमीन के नीचे हो तो 15 दिन बाद आपको एक छुट्टी मिलेगी। और एंड अदर केस एवरी वन इन एवरी 20 डेज, अगर अदर केस है तो हर 20 दिन में एक मिलेगी। अगर आप माइंस में जमीन के अंदर जा रहे हो तो 15 दिन में एक छुट्टी अपने को मिलेगी। पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए हर 5 साल में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होना चाहिए नए वर्कर्स के लिए, और रीट्रेनिंग प्रोग्राम पुराने वर्कर्स के लिए, ठीक है। ये कुछ हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ग्लव्स हो गए, या आपके ये जो है हैंड ग्लव्स हैं, सीट बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट्स, ये सारे इस तरीके के यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है